भाई इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024 पहला T20 मैच कौन सी टीम करेगी अपने नाम, श्रीलंका या फिर इंडिया? इंडिया का जो कप्तान है वो सूर्य कुमार यादव है, इससे पहले भी कप्तानी कर चुके हैं लेकिन अभी मुझे लगता है प्रॉपर T20 की कप्तानी मिलेगी तो इनको शुरुआत सही करनी पड़ेगी। गौतम गंभीर कोच होंगे तो जीत के साथ शुरुआत करेंगे, दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन जो श्रीलंका की टीम है ना उसको इतना कम आंकना नहीं चाहिए क्योंकि अभी लंका प्रीमियर लीग खत्म हुई है तो छठे प्लेयर के साथ ना टीम बनाई है जो बढ़िया फॉर्म में थे। तो जो पहला T20 मैच है ना ये तगड़ा होने वाला है, कौन सी टीम अपने नाम पे करेगी यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भैया अभी तक 28 मैच खेले गए जिसमें से 9 मैच जीता श्रीलंका, 19 मैच जीता टीम इंडिया। तो इंडिया श्रीलंका के सामने T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है, मतलब इंडिया 2 मैच जीतता है तो फिर जाके कहीं श्रीलंका 1 मैच जीत पाता है। बात करें इन श्रीलंका की सरजमी पे, इनके बीच में अभी तक 8 मैच खेले गए, 3 मैच श्रीलंका जीता, 5 मैच जीता इंडिया, यानी इंडिया श्रीलंका के सरजमी पे जाता है इनको हरा के आ जाता है। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो लंका ने 1 मैच जीता, इंडिया ने 4, तो आखिरी के 5 मुकाबलों में भैया जो इंडिया की टीम है ना जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है श्रीलंका के सामने, तो क्या फिर से वही परफॉर्मेंस दोहराई जाएगी और कर लेंगे मैदान फतेह, या फिर जो भैया श्रीलंका की टीम है बोलेगी ना जी ना अभी हम करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। चलो एनालिसिस करके पता लगाते हैं, बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक ना किया हो तो, और वीडियो को लाइक तो सभी लोग कर डालें। हाँ, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पर मैं जिस टीम को बोलता हूँ कि ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बन जाते थे। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी? कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं? ओ ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है श्रीलंका वर्सेज इंडिया, इसमें जो भाई की अपडेट है ना ये चेक करना है, अगर आपको सारी अपडेट सही से मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो आपको पता है टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तो पता क्या करना है, तब वापस आ जाना क्योंकि आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जरूर जाएं, पहले भाई का काम चेक करें, फिर आपको जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है सैटरडे 27 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 7 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकती हैं। जो मैच है पल्ले केले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्ले केले में खेला जाएगा। इस मैदान पर अभी तक T20 इंटरनेशनल के 22 मैच खेले गए जिसमें से 12 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 8 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज, 2 मैच में टारगेट टाई रहा। मतलब इसका यहाँ पे ये है कि चेज डिफेंड टाई सब होता है, मतलब यहाँ का जो पीछे एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, चाहे पहले बल्लेबाजी कर लो बाद में बल्लेबाजी करो, एक जैसी यहाँ की कंडीशन रहती है पूरे मैच में। जो एवरेज स्कोर है 177, टारगेट चेज की बात करें तो 169, 169 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में से टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 185, 185 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 169 से 185 के बीच में स्कोर होगा तब समझ जाना कि भैया जो मामला है ना वो बराबर का, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। यहाँ का जो सरफेस है वो ड्राई एंड हार्ड है, जब तक बॉल नया होता तब तक बॉल बैट पर बहुत अच्छे से आता है, रन बनता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच यूज हो जाता है वैसे यहाँ की जो पिच है ना थोड़ा सा टूट जाता है तो कंडीशन स्लो हो जाती है। ऐसे में क्या होगा जो स्पिनर्स गेंदबाज है, जो स्लोअर गेंदबाज है, यानी जो तेज गेंदबाज स्लोअर और नकल बॉल का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को हेल्प मिलेगा, यानी स्पिनर और स्लोअर गेंदबाज। हालांकि जो बाउंड्री लेंथ है वो 63 से 76 मीटर की है, मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, मीडियम बाउंड्री है, इसलिए रन भी बनते हैं, बीच बीच में विकेट जाते हैं, तो अक्सर आपको यहाँ पे मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलता है, जो कभी चेज होता कभी डिफेंड होता कभी टाई भी हो जाता है। तो जो आज का मैच है ना ये भी आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिल सकता है, यानी न्यू बॉल से रन बनेगा। तो 51 से 56 के बीच में न्यू पावर प्ले का स्कोर हो सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 170 से 185 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया जो श्रीलंका की टीम है उसने 16 मैच खेला, 10 जीते 6 हारे, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका अपने इस मैदान पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाता है। इंडिया की बात करें तो 1 मैच खेला उसे जीता, ये जो मैच था श्रीलंका से ही खेला था, तो मतलब इंडिया इस मैदान पे श्रीलंका को पहले भी हरा चुका है, तो आज के मैच में क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 के। देखो कुशल परेरा या पथुमनिसांका, दोनों में से एक इधर कुशल मेंडिस, ये ओपन करते नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपको दिखेंगे दिनेश चंदीमल, चौथे नंबर की बात करें अब इसका फर्नांडो, पांचवें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे कप्तान चहित असलांका, छठवें नंबर की बात करें तो कामिंडी मेंडिस या फिर कामिंडू विक्रमा सिंघे जो दामलो सिक्सर के टीम में थे, सातवें नंबर पर आपको दिखेंगे
दसुन सनाका, आठवें नंबर पे वाइनंडू हसरंगा, नौवें नंबर की बात करें तो महेश थिक्सना, दसवें नंबर पे मथीसा पतियाना, ग्यारहवें नंबर पे नुवान तुसारा। ये हो सकती है श्रीलंका की इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। अगर हम यहाँ पे पथुम निसांगा की बात करें तो भैया जो इनकी फॉर्म थी अच्छी थी, लेकिन कोलंबो के मैदान पर एक भी मैच ना खेल पाए, लेकिन पल्ले केले के मैदान पर बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी। अगर खेलेंगे तो इस मैदान पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बात करें कुशल परेरा, देखो ये सभी मैच में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन चलते वन मैन आर्मी की तरह लंबा खेलते हैं और तेज खेलते हैं तो इनकी भी परफॉर्मेंस कभी आती है कभी नहीं आती। कुशल मेंडिस की बात करें, जो इनकी फॉर्म है शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाई हुई दिख रही थी, मतलब चल रहे थे 20-25 बना पड़ रहे थे नहीं तो आउट हो जाते थे, लेकिन पिछले जो लंका प्रीमियर लीग खेले उसमें पिछले 2-3 मैचों में ना जबरदस्त पारी खेली, अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। इनकी भी जो फॉर्म थी वो तगड़ी दिखी। बात करें दिनेश चंदीमल, शुरुआत इनकी बहुत अच्छी हुई थी लेकिन आखिरी के कुछ मैचों में इतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन ओवरऑल की बात करें इनकी फॉर्म की तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बात करें अगर हम यहां पे अब इसका फर्मांडो, तो सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करिए पूरे लंका प्रीमियर लीग में। हां थोड़ा सा रन गति कम होती, स्ट्राइक रेट कम होता है, लेकिन सभी मैच में रन बना के आते हैं। चैत अस्लांका की भी जो फॉर्म है ना ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कह सकते, मतलब कभी चलते कभी नहीं चलते। बात करें कामिंडू मेंडिस की, तो इनकी भी जो शुरुआत हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी गाले के लिए, सॉरी कैंडी के लिए, लगातार सभी मैच में रन बनाए थे। इनकी भी जो फॉर्म है ठीक ठाक है। कामिंडू विक्रमासिंघे ने इंप्रेस किया, बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करी, लगातार नहीं लेकिन बीच बीच में एक आधा मैच में रन भी बना देते, एक आधा दो विकेट निकाल लेते, तो मतलब ठीक ठाक ओवरऑल परफॉर्मेंस करके दिखाई। दसुन सनाका एज ए बैटर ज़्यादा ना चल पाए, एक दो मैच में बढ़िया पारी खेली और कई मैचों में तो नंबर नहीं आया, कई मैच में फ्लॉप भी हुए, लेकिन एज ए बॉलर बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, यहाँ का पिच को यूज़ किया, सभी मैच में 1-2-3 विकेट निकाले, थोड़ा सा किफायती भी रहे। हसरंगा की बात करें तो बल्लेबाजी से ये भी ज़्यादा कुछ ना कर पाए, लगभग सभी मैच में फ्लॉप रहे, मतलब फ्लॉप ही रहे, एक आता दो इनिंग बढ़िया खेली थी नहीं तो फ्लॉप। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी हसरंगा की सभी मैच में बढ़िया रही, 1-2-3 विकेट चटकाते थे। हाँ कभी कभी महंगे हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन विकेट टेकर है, विकेट निकाल के लाते कौन, वानंडू हसरंगा। बाकी मैं सिक्सड़ा की बात करें, देखो गेंदबाज तगड़ा है, हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते, लेकिन विकेट थोड़ा सा कम मिलता था, किफायती रहते थे लेकिन विकेट नहीं मिल पाता था, लेकिन प्रीमियर लीग में उस आंकड़े को बदला, किफायती के साथ साथ ना विकेट लेकर भी आए हैं। तो थिक्सड़ा की भी जो फॉर्म है कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। मथीसा पथिराना की बात करें तो लंका प्रीमियर लीग में देख लो, एक आधा मैच में बढ़िया गेंदबाजी की, एक आधा मैच में महंगे हुए, लगातार बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए। सेम कहानी नुवान तुसारा की, एक आधा मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, एक आधा मैच में थोड़ा सा फ्लॉप रहे। तो ओवरऑल जो श्रीलंका की टीम है ठीक ठाक है, लेकिन परफॉर्मेंस कभी निकलती कभी नहीं निकल पाती। वहीं अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की प्लेइंग इलेवन होगी, देखो शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज, चौथे नंबर की बात करें तो सूर्य कुमार कप्तान, पांचवें नंबर पे शिवम दुबे, छठवें नंबर पे हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पे रिंकू सिंह या फिर वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं, आठवें नंबर की बात करें तो अक्षर पटेल, नौवें नंबर पे रवि बिश्नोई, दसवें नंबर पे अर्शदीप सिंह, ग्यारहवें नंबर पे मोहम्मद सिराज या फिर खलील अहमद, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। अगर हम यहां पर इंडिया की बात करें, शुभमन गिल T20 के तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन पिछला 6 महीना देखा जाए तो 1-2 मैच में चलते हैं तो 1-2 मैच में फ्लॉप होते हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं लंबा खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल की बात करते, इनकी भी जो कहानी रही ना पिछले IPL से कुछ ऐसी ही रही है, हालांकि वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला नहीं, जिम्बाब्वे के सामने जो मौका मिला उसे किसी मैच में चल रहे थे किसी मैच में नहीं चल रहे थे। ऋषभ पंत की बात करें तो IPL में इन्होंने चोट के बाद वापसी करी थी, मतलब एक्सीडेंट जब हुआ था उसके बाद IPL में वापसी करी थी और पूरे IPL में दमदार बल्लेबाजी करी, वर्ल्ड कप की खतरनाक पिचों पर भी ना ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी वो तगड़ी चली। बाकी सूर्या की कहानी हमेशा वही रहती है कि भैया 2 मैच में लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, फिर 2 मैच में लगातार सूर्या फ्लॉप होते हैं। आप जब से भी खेल रहे हैं सूर्या कुमार यादव, आप देख लो 2 मैच में बढ़िया खेलेंगे फिर 2 मैच में हो जाएंगे फ्लॉप। शिवम दुबे की बात करें, शिवम दुबे की वो जो क्लास थी IPL में वो वर्ल्ड कप में दिखी नहीं, हालांकि जो वर्ल्ड कप की पिचे थी थोड़ा खतरनाक थी, तो मे बी यहाँ की पिच पे वो परफॉर्मेंस दिख सकती है शिवम दुबे की। बाकी हार्दिक पांड्या की बात करें, अगर इंडिया चैंपियन बना है ना तो हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत, क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, आते हैं 1-2 विकेट चटकाते हैं, किफायती भी रहते हैं और बल्लेबाजी में जब जब टीम फंसा होता है आके रन बनाते हैं। तो हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर इज बैक, बल्ले और गेंद दोनों जगह से। अगर रिंकू सिंह खेलते, देखो रिंकू सिंह की जो फॉर्म है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कभी एक आधा मैच में फिनिश अच्छा कर लेते तो कभी उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाते। बात करें अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल की भी जो फॉर्म है भैया बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। देखो गेंदबाजी तो सभी मैच में तगड़ी करते हैं, 4 ओवर में इनके रन बनाना मुश्किल होता है, बीच में एक आधा 2 विकेट भी चटका देते हैं, बल्लेबाजी में जब जब नंबर आता है ठीक ठाक मिस्टर बापू यानी अक्षर पटेल बल्लेबाजी करके जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जो फॉर्म थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, जब जिम्बाब्वे के सामने सेलेक्ट भी हुए थे तो मुझे लगा था क्यों खिला लिया गया, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करके आए जिम्बाब्वे के सामने, लेकिन मुझे लगता है जो वो फॉर्म है ना श्रीलंका के सामने नहीं दिख पाएगी, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज स्पिन को थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। वहीं रवि बिश्नोई की बात करते, रवि बिश्नोई ने ठीक ठाक भी जिम्बाब्वे के सामने गेंदबाजी करके आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी अच्छी फॉर्म इनकी नहीं थी, क्योंकि पहले मैच में 4-3-2 फिर विकेटलेस, तो IPL में भी उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी श्रीलंका के बल्लेबाज, ये भी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी नहीं,
है, अच्छी स्पिन खेल लेते हैं। बात करें अर्शदीप सिंह की तो हमेशा टी20 में कमाल की गेंदबाजी करते, फिर चाहे IPL हो, फिर टी20 वर्ल्ड कप हो या इंडिया के लिए जब जब खेले, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है। सिराज की फॉर्म की बात करते, इनकी भी जो फॉर्म है उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि IPL में देख रहा कितना गंदी गेंदबाजी करी थी, फिर वर्ल्ड कप में 2-3 मैच करे थे वहाँ पर भी विकेट नहीं चढ़का पाए थे। बात करें खलील अहमद, ये भी फिर भी ठीक ठाक लैम है, क्योंकि IPL में ठीक ठाक सपाट पिचों पर स्विंग कराई थी, गेंदबाजी करवाई थी, उसके बाद जिम्बाब्वे के सामने हालांकि उतनी ज़्यादा लैम है ना देखे। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया टीम की बात करें, यंग है, बल्लेबाजी लाइनअप तो बढ़िया नजर आ रही, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल टीम इंडिया कर सकती है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी आप पे कंपेरिजन करें तो श्रीलंका ने अपने आखिरी के 6 मैच में 3 जीते 3 हारे, मतलब 1 जीत रहे 1 हार रहे। इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपने आखिरी के 6 मैच में 5 जीता 1 हारा, तो इंडिया ने तगड़ा खेला। इस दौरान जो इंडिया का बल्लेबाजी अपना 189 जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। बात करें श्रीलंका की तो 178 इनका भी जो बल्लेबाजी अवरेज है ठीक ठाक है। गेंदबाजी अवरेज की बात करें तो 8.49 जो गेंदबाजी अवरेज होता है, इसे हम ना बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत ज्यादा खराब, यानी जो इनके गेंदबाज है लगभग 170 से 180 के बीच में रन खाते हैं, बल्लेबाज 170 से 80 तक पहुंचते हैं तभी 1 जीत रहे 1 हार रहे। इंडिया का जो गेंदबाजी एवरेज है 8.13 जो कि थोड़ा सा बेहतर होती है, जो इंडिया के गेंदबाज है लगभग 170 से 160 के बीच में रन खाते हैं, बल्लेबाज 190 तक पहुंच जाते तभी इंडिया आखिरी के 6 मैच में 5 जीता बस 1 हारा। तो रिजल्ट में इंडिया श्रीलंका से बहुत ज्यादा बेहतर, बल्लेबाजी एवरेज में भी इंडिया श्रीलंका से बेहतर नजर आ रहा है। हाँ, गेंदबाजी एवरेज में थोड़ा बहुत इंडिया आगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, श्रीलंका की भी गेंदबाज ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी और मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो हम आपको अभी यहाँ तुरंत के तुरंत बता देते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो ना यार, क्योंकि अभी ना करोगे तो कब करोगे। तो देखो भैया, सारे एनालिसिस करने के बाद जो मैच है ना वो 30 और 70 का, 30 टीम श्रीलंका 70 टीम इंडिया। देखो अगर आप चाहें तो जो टीम इंडिया मजबूत है उसके साथ जा सकते हैं, मैं भी चाहता हूँ इंडिया मैच जीते, लेकिन मेरी एनालिसिस कहती कहीं ना कहीं श्रीलंका पलटवार कर सकती, जो आज का मैच है श्रीलंका अपने नाम पे कर सकती, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, और हाँ बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ कि भैया ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं हो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे, भाई का टेलीग्राम है जाओ ज्वाइन करो। और जो आज का मैच है ना इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इसमें भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो भाई का टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, काम पसंद ना आए तो आप वापस आ जाना, क्योंकि आपको तब कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जरूर जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।